मैं जो सोच रहा वही हुआ होगा शायद। तो हाँ दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छा होंगे। तो आज रिएक्शन करने जा रहा हूँ भोजपुरी का एक ट्रेलर। बहुत दिन के बाद मैं भोजपुरी का कुछ भी चीज़ रिएक्शन कर रहा हूँ। तो निरहुआ और अमरपाल के स्टार ये मूवी फसल का ट्रेलर आया है। देखो ये मूवी का ट्रेलर आने वाला था, मुझे शायद पता था, मैं रिएक्शन करना नहीं चाहता था भाई, वो सही मूवी निकलेगा। पर इसका बहुत ही लोग बड़ाई कर रहे हैं और बहुत लोग आप लोग रिकमेंड कर रहे हो, तो आप लोग बोले और मैं रिएक्शन ना करूँ तो हो नहीं सकता। तो आप लोग भोजपुरी से अगर फैन हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं भी हो तो शायद इसका अच्छा ट्रेलर निकला है, लोग बहुत ही बड़ाई कर रहे हैं। चलिए उसे देखते हैं फसल का ट्रेलर कैसा है। मैं तो अभी तक नहीं देखा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं कहीं पर क्लिप शायद देखा हूँ, मतलब किसान के ऊपर कहानी है। फसल मतलब वही किसान के जो बाली होता है उसको फसल कहते हैं, तो शायद किसान के ऊपर है और बहुत ही मतलब एक हार्ट टचिंग मूवी है ऐसा किसी को सुनने में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यह फसल ट्रेलर कैसे है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट। भारत राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार 1995 से 2013 के बीच कुल 2,86,000 के बीच किसानों ने आत्महत्या की। 2013 के बीच बोल रहे हैं, ये थोड़ा अपना पार्टी को बचा रहा है। आप बुझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ लो। निरहुआ किस पार्टी के है और उस वो पार्टी कब से आया है सरकार में। आज हम ये पढ़नी है पापा कि हमारे देश 15 अगस्त के आजाद भइल रहे। देश तो 15 अगस्त के आजाद हो गए, पता न हमनी के कब आजादी मिली। ये फसल हमनी से चीख चीख के कह दिया कि हमनी के दुख के दिन अब उरा गए। वाह भाई, अमर पाली ही सिर्फ क्यों हीरो निकलता है भाई, तो और क्यों है क्या? ये सॉन्ग बहुत हिट हुआ था वो सिल्फी राज का, और डाल दिया अच्छा है। अच्छा, ओ ये विलन किया है, इसका नाम है सम विशाल राव, ये आजकल बहुत ही विलन कर रहा है। ये बड़ा खिसिया वाड़ी है। निरहुआ अच्छा एक्टिंग करता है भाई। ये सॉन्ग से आ जाएगा को पेट में कंफर्म बोल रहा है। जान बसल सरकारी रेट से 1 रुपया कम में हम अपन धान ना तो आग लग गया है। निर्माता फिल्म रहा है, ये इंसान का लगावल कराना ऐसे ना उतरी, समझ रहे हो? यहाँ पे विलन के घर में जाकर हीरोइन मतलब जो हमने पाल ली है शायद ओके अच्छा लग रहा है। बेसी मैं जो सोच रहा वही हुआ होगा शायद। ये बलात्कार के साथ सीन लग रहा है। क्रिया में तो मदद कर लो। ओ एक्टिंग अच्छा कर रहे भाई निरहुआ अपना। कहानी है इधर से सब लोग चली। हमरे का भनवा के नाम बड़ा। ये बैकग्राउंड म्यूजिक और मतलब एम्प्लीफाई कर दे रहा है, और ऐसा ही बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है। निर्देशक फराग प्राग पटेल के और पिछला साल के जो चाउर कुटा के धैल रहे वो खत्म हो गए। कहाँ से किया ये करा के रोज रोज दाल भात। किसान के किसानी छोड़े पे मजबूर मत करा लोग। ना तो अगर किसान किसानी छोड़ देला इमोशनल होगा लास्ट में लग रहा है ये मूवी, और अभी भी इसने कर दिया। पर पूरा कहानी दिखा दिया भाई, जितने किस्म के दिखाया है अच्छा है, नो डाउट मुझे अच्छा लगा। पर पूरा कहानी दिखा दिया, पर हाँ लास्ट में जो था एक दो सीन और एक दो जो हाँ लिटरली मुझे भी मतलब बूझ में आया, हाँ लग रहा है कि थोड़ा इमोशन डालेगा। फर्स्ट में जो डायलॉग था वो डायलॉग से थोड़ा मैं प्रभावित बहुत ज़्यादा हो गया कि 2013 तक 2015-17 में भी वही कहानी है भाई, किसान के कहानी है, किसान के बेटे को पता चलता है और हम है किसान के बेटे का।
तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ किसान क्या अभी भी मतलब काम सुधर गया है, बहुत ही काम हो रहा है भाई द्वारा 2021 में क्या हुआ था आप लोग पता ही है, तो मैं क्या बोलूँ, पर हाँ किसान पे कहानी बनाया है तो अच्छा है, एक्टिंग अच्छा है और दिखाने की कोशिश किया है कि हाँ किसान का जो फसल होता है कभी बिगड़ जाता है तो सरकार नहीं दिखना चाहता है, उसके बारे में फसल बन भी जाता है तो मतलब जो बिचौलिया होता है ना, जो रुपया जो व्यापारी वो व्यापारी कम दाम में ले जाता है, तो किसान का ये प्रॉब्लम है, इसलिए सही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उठाया तो अच्छा बात है, पर हाँ अपना पार्टी का प्रोपेगंडा ना खेले, एकदम ओरिजिनल दिखाए, मैं यही बोलूँगा। बाकी एक्टिंग टीनेश लगा दो बहुत ही अच्छा है, अमरापाल दुबे अब एक ही स्टार के साथ एक ही हीरोइन, अब देख कर पक गया हूँ, सच बोल रहा हूँ पक गया हूँ, अब दूसरा हीरोइन को लेना चाहिए, पर ठीक है अब वो और दिन ब दिन और मोटी हो रहा है भाई, पतले हो पहले अच्छा लगते थे अब नहीं लग रही हो, पर हाँ इवन इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था लास्ट लास्ट में इमोशनल कर दिया, प्रयाग पाटिल का डायरेक्शन अच्छा है ना, थोड़ा कहीं कहीं पे अपना दिनेश यादव का निरहुआ का एक्टिंग बहुत ही अच्छा था और कहीं कहीं पे झुक रहा था, तो ओवरऑल हाँ एक भोजपुरी के मूवी ऐसा बनना थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, पर नहीं बोलूँगा कि मतलब हाँ बहुत ही अलग चीज़ आ गया है, नहीं हाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा मतलब हाँ ठीक करने वाला है, थोड़ा बड़ाई करने वाला है कि हाँ भाई ये बड़ाई करने वाला, पर एक भी ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही हल्का आ गया, बहुत कुछ आ गया, नहीं, पर हाँ ऐसा है कि इसको बड़ाई करना चाहिए कि हाँ मूवी थोड़ा रियल कहानी पे बनाया है, थोड़ा अच्छे से बनाया है। तो आप लोग फसल का ट्रेलर देख लिए होंगे क्योंकि आप ही लोग बोल रहे थे कि कमेंट में फसल को रिएक्शन करो फसल, तो फसल का रिएक्शन कर दिया, आप लोग के पास अब ये वीडियो जा रहा है, आप लोग जितना इसको प्यार देख सकते हो देखो, पर हाँ प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपका बात मानने के लिए भी मेरा पास कुछ होना चाहिए, आप लोग का कुछ नहीं जाएगा, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मुझे इमोशनली अच्छा लगेगा, तो मैं और आप लोगों का बात मानूंगा और मानूंगा कि बहुत मतलब आपका बात मानता ही हूँ, तो करिए प्लीज, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चलिए दोस्तों धन्यवाद।